हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सरस्वती साड़ी डिपो के लिए। यहाँ पर आप देखोगे शेयर से रिलेटेड कुछ टाइम पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, दोबारा कमेंट आ रहे हैं कि इससे रिलेटेड बातें की जाए, तो यहाँ पर हम बातें कर रहे हैं सरस्वती साड़ी डिपो लिमिटेड की। बात करें तो यहाँ पर आप देखिए, एक जो कंपनी है 1996 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर जो इनका काम है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग और होलसेलिंग का काम है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन्स अपैरल्स। तो यहाँ पर बात करें जो लड़कियों और औरतों के जो कपड़े होते हैं, साड़ी होती है, दुपट्टे होते हैं, कुर्ते होते हैं, उनसे रिलेटेड ये कंपनी यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है। आप देख सकते हैं ड्रेस मटेरियल, कुर्तीज, अपैरल्स, ये सब चीज में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। तो आप चाहो तो एक बार इनकी वेबसाइट पर विजिट करके ना यहाँ पर जान सकते हो कंपनी कहाँ काम करती है, कैसे काम करती है, और किस तरीके का यहाँ पर कंपनी का बिजनेस मॉडल है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा, यहाँ पर जाइएगा इनकी वेबसाइट पे तो एक आइडिया रखता हुआ नजर आ जाएगा। कंपनी की बात करें तो यहाँ पर देखिए 506 करोड़ रुपए की कंपनी है, मार्केट कैप कितना है, 506 करोड़ रुपए। स्टॉक पी की बात करें 17 का पी है, इंडस्ट्री का पी कितना है, इंडस्ट्री का पी 35 का है, तो कहीं आधा यहाँ पर नजर आता है कि पी है। तो शेयर यहाँ पर क्या हो गया, सस्ता हो चुका है ऑलरेडी। ऊपर से हम बात करें तो यहाँ पर जब मैं टेक्निकल पे चलेंगे तब बात करेंगे, बट स्टिल यहाँ पर आप देखोगे 42-43% शेयर यहाँ पर ऊपर से नीचे आ चुका है। ठीक है, 219 का हाई लगाया था इसने, 123 का यहाँ पर 52 वीक यहाँ पर इसका क्या चल रहा है, लो चलता हुआ नजर आ रहा है 219। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आरओसी आरओई, आरओसी आरओई का बिजनेस इनका काफी अच्छा है। शेयर यहाँ पर काफी लो पी पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर हम बात करें तो ऐसे शेयर यहाँ पर चलते हुए नजर आते हैं, और अगर ये पी और ज्यादा सस्ता हो जाएगा तो फिर यहाँ पर लेने के अलावा और कुछ बचेगा भी नहीं। इस चीज को भी याद रखिएगा, बट याद रखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं हमेशा कहूंगा कि आप बाइंग सेलिंग की बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है। एडुकेशनल पर्पज से यहाँ पर ये वीडियो बनाई जा रही है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना, चाहे सब्सक्राइब बेल आइकन को ही कॉल करना, नोटिफिकेशन को ऑन करना है, चीजों को सीखना है, वीडियो जाके देखनी है, और यहाँ पर इन नंबरों पर नोट करके काम कर सकते हो, साथ में यहाँ पर एज वेल एज कोर्स कर सकते हो। ये पूरा का पूरा कोर्स बेसिक टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटल ये हम कराते हुए नजर आते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस ले लीजिएगा इस कोर्स को करने के बाद, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको प्रैक्टिकल की नॉलेज यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 10 का फेस वैल्यू है, आगे चल के स्प्लिट भी होगा। हम यहाँ पर बात करें डिविडेंड यील्ड, कंपनी अभी तक आई है तो डिविडेंड अभी देती नहीं है, डेट फ्री शेयर है। सबसे पॉजिटिव बात यह है इंट्रेंसिक वैल्यू 141 की है, 128 पे शेयर चल रहा है, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे पॉजिटिविटी ही नजर आती है। बुक वैल्यू थोड़ी सी कम है कंपनी की, इसे आपको देखना है। सेल्स ग्रोथ अच्छी खासी है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा है कंपनी का, तो यहाँ पर ये सब चीज अच्छी नजर आती है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो ज्यादा हिस्ट्री कंपनी की है नहीं, जब से आया है यहाँ पर गिरावट ही होती हुई नजर आई है, तो इसलिए ज्यादा चार्ट से रिलेटेड एज इट इज अभी बात नहीं करेंगे, बट क्या दिखाई देता है वो हम यहाँ पर जब नॉर्मल चार्ट पे चलेंगे तब हम यहाँ पर बात करते हुए नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर इनकी वेबसाइट पे चले जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये कंपनी यहाँ पर क्या काम करती है, कहाँ पर ये कंपनी है, ठीक है, किस तरीके से ये काम करती हुई नजर आती है, पूरा आइडिया आपको लगता हुआ नजर आ जाएगा। विजन क्या है, वील प्रोवाइड द बेस्ट इन द क्लास, बेस्ट इन क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट थ्रू इनोवेशन, मोटिवेशन, टीम एफिशिएंसी एंड सब। तो बात करें तो यहाँ पर देखिए 47 लाख यहाँ पर शादियां है इस पर्टिकुलर पीरियड में, ठीक है, और 47 लाख में हम बात करें तो गेस्ट कम से कम 200 गेस्ट भी पर शादियों में जाएंगे, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें और चीजों की, तो सब मोस्टली नए कपड़े सब बच्चे भी लेंगे, ठीक है, और उनमें से हाफ फीमेल भी हम कर लेते हैं, ठीक है, हाफ भी नहीं करते, 40% भी फीमेल्स करते हैं कि लगभग लगभग शादी में रहेंगी, या 30% भी रहेंगी, तो अच्छा खासा काम चलने वाला है, और कंपनी यहाँ पर बेस्ट है, और इंडिया में ऐसी कंपनी केवल एक ही है जो साड़ी के बिजनेस में यहाँ पर सॉरी वैसे नहीं कहूंगा, बात स्टॉक की बात करें तो साड़ी के बिजनेस में, अपैरल के बिजनेस में एक दो कंपनी और है यहाँ पर, वो छोटे पी के यहाँ पर छोटे इसी कंपनी है, बट हम बात करें ये कंपनी है जो यहाँ पर अच्छा खासा काम कर रही है 506 करोड़ रुपए के यहाँ पर मार्केट कैप के साथ। थोड़ा सा आगे बढ़ते यहाँ पर देखिए कंपनी के रिजल्ट भी अभी आते हुए नजर आए, ठीक है, उससे रिलेटेड हम यहाँ पर बातें कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कंपनी के रिजल्ट, तो कंपनी के रिजल्ट लगातार अच्छे खासे आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए एक कंपनी होती है जो पहले अपने आप को काफी खूबसूरत दिखाती है, काफी अच्छा दिखाती है जब आईपीओ आ रहा होता है, ठीक है, उस टाइम तो यहाँ पर इनके नंबर काफी अच्छे होते हैं,
बट जैसे ही कंपनी में उतरती है उनके नंबर टाइम टाइम फिश हो जाते हैं, एकदम बॉटम आ जाता है, एकदम बेकार नंबर यहाँ पर प्रेजेंट करने लग जाती है, और शेयर क्या होता है, क्रैश होता हुआ चला जाता है, क्रैश होता हुआ चला जाता है। ठीक है, एक कंपनी ऐसी होती है जो मार्केट में उतरती है, गिरावट हो गई, ठीक है, मार्केट का बिहेवियर जब से यहाँ पर आप देखोगे तो अगस्त में ये कंपनी आई है, और शायद अगस्त के बाद ही यहाँ पर सितंबर में ही एक गिरावट आई है, जिस वजह से एक प्रेशर बनता हुआ नजर आया और चीजें नीचे आती हुई नजर आई, ये भी शेयर को नीचे ट्रैक करता हुआ नजर आया, ये हो गया। अब बात करते हैं कंपनी के नंबर। तो जब मैं कह रहा था कि आईपीओ आता है बेकार नंबर आ जाते हैं, वो एक अलग सिनेरियो है, आईपीओ आता है कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही है तो एक अलग सिनेरियो है। तो यहाँ पर आप देखोगे अभी फेस्टिवल सीजन भी गया है, शादी का सीजन चालू है, तो यहाँ पर आप देखोगे कंपनी 164 करोड़ रुपीज, 165 करोड़ रुपीज की यहाँ पर सेल्स करी है, ठीक है, अपैरल्स बेचते हुए नजर आए हैं, क्वार्टरली ईयरली दोनों बेसिस पे कंपनी का काम अच्छा खासा बढ़ा है। प्रॉफिट भी देखे तो यहाँ पर प्रॉफिट का कैटेगरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मार्जिन ईयरली बेस पे थोड़ा सा कम आया है, बट क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर मार्जिन लगातार 3 क्वार्टर में यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बात करें और चीज की तो नेट प्रॉफिट कंपनी का लगातार बढ़ रहा है, 4 से 7, 7 से बीच में 4 हुआ था, फिर 6, 6 से 9, यहाँ पर 10 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट है, कंपनी का ईपीएस बढ़ रहा है, तो अच्छे नंबर है सबसे पहली बात। ईयरली बेस पे बात करें कंपनी का तो फ्लैट ही सेल मानते हुए नजर आएंगे, 550, फिर 600 और 611 के आसपास की यहाँ पर सेल है, ठीक है, अभी टीटीएम बेसिस पे यहाँ पर देने रखा है, वो भी आप चाहो तो यहाँ पर 2 क्वार्टर में जाके जोड़ लीजिए, आपको वो टीटीएम बेसिस पे ही पता चल जाएगी। यहाँ पर हम बात करें थोड़ा सा आगे बढ़े तो रिजर्व्स यहाँ पर देख लीजिए, 145 करोड़ के जो रिजर्व्स मार्च 2024 में 32 करोड़ के थे, अभी रिजर्व्स, ठीक है, अभी आईपीओ भी आया तो वहां से भी पैसा आया होगा, तो रिजर्व 145 करोड़ रुपीज के है, तो अच्छे खासे कंपनी के रिजर्व्स है। सबसे अच्छी बात है कि कंपनी की जो बोरिंग थी वो चुका चुके हैं, जीरो बोरिंग पे काम कर रहे हैं, जीरो बोरिंग पे काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर पॉजिटिविटी है। यहाँ पर बात करें और जियो की इन्वेस्टमेंट 4 करोड़ का है, कैश की बात करें कैश है 43 करोड़ रुपीज का। तो नेगेटिविटी क्या है इस कंपनी के साथ वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, जो कि मुझे 2-3 महीने पहले ही पता चल गई थी, क्योंकि एक क्लोजली यहाँ पर इनके रिलेटिव थे, और प्लस में ये यहाँ पर एक यहाँ पर आप जाओगे तो आपको पता भी चलेगा, ये मोतीलाल ओसवाल से मिलते हुए नजर आए थे, ठीक है, तो इन्होंने बताया था हमारे पास कैश है, सब चीज है, बट हमारा आगे का व्यू हमारे पास नहीं है, ठीक है, कि हम आगे क्या करें, इस कैश का क्या करें, हम वो चीज क्या करें, तो वो उनके बीच में बात हुई, तो एक विजन यहाँ पर नेगेटिविटी नजर आती है, कंपनी के पास विजन नहीं है कि कंपनी और क्या करे और अपने आप को एक्सपेंड कैसे करे, तो ये नेगेटिविटी है, जो कि अच्छी बात बिल्कुल नहीं होती किसी भी कंपनी के साथ, बट स्टिल बात करें कंपनी अच्छा काम कर रही है, ये वो एक अभी देखने वाली है, जब तक कंपनी अच्छा काम करेगी तब तक कुछ नहीं होना जाना। बात करें और चीजों की तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर पता चलेगा कैश इक्विवेलेंट लगभग 43 करोड़ रुपीज का कैश पड़ा हुआ है कंपनी के पास, रिजर्व पॉजिटिव है, डेट कंपनी के पास है नहीं, है ना, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव चीजें यहाँ पर दिखाई देती है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, प्रमोटर्स जो सेबी का रूल होता है 75-25 का, वो यहाँ पर पूरा कर चुकी है। पब्लिक की बात करें, FSDIs है नहीं, छोटी कंपनी में मोस्टली होते नहीं है, पब्लिक के पास लगभग 25% के शेयर यहाँ पर नजर आते हैं, 55,000 शेयर होल्डर है, और ऊपर के लेवल पे फंसे होंगे वो अलग बात है, ठीक है, काफी लोग यहाँ पर फंसे होंगे। यहाँ पर बात करें बाइंग सेलिंग यहाँ पर चलती रहती है, ट्रेडिंग चलती रहती है, आप चाहो तो यहाँ पर जाके देख सकते हो कि कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है, तो एज सच यहाँ पर कुछ है नहीं, ठीक है, कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है, जब तक कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है तो अच्छी बात है। अब बात करते हैं कंपनी के चार्ट से लेके, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे कर, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, वीडियोस देखनी है, सीखना है, समझना है, बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है, नंबर नोट कर लीजिए, कोर्स कर सकते हो, साथ में काम कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं तो देखिए अच्छे रिजल्ट, मार्केट में ये शेयर आया, आने के बाद एक अच्छी खासी 42-43% की गिरावट, ठीक है, अच्छे रिजल्ट के बाद शेयर अगर 40% आपको करेक्ट मिल रहा है तो क्या आप चाहते हो कि ये शेयर आपको 100% करेक्ट मिलेगा, क्या जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला, कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है, सब कुछ अच्छा खासा है, 40% करेक्ट हो चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि मार्केट 3-4 दिन यहाँ पर अक्टूबर के यहाँ पर इसने लो बनाया है 23 तारीख को, उसके बाद भी मार्केट गिरी है, ठीक है, अच्छा खासा स्मॉल कैप की अगर मैं 23 की बात करूँ, ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पर चल लेते हैं, तो यहाँ पर आपको बात करते हैं 23 तारीख से, तो 23 अक्टूबर, तो 23 अक्टूबर यहाँ पर है आपका ये, ठीक है, ये तो ये आपका 23 अक्टूबर है, ठीक है, उसके बाद उधर से भी चीजें ऊपर गई, ऊपर से नीचे की बात करें तो यहाँ पर से इतना हुआ 5% इंडेक्स नीचे, और यहाँ से बात करें, ठीक है, इसके इसके बाद भी गिरी है, ठीक है, ऊपर जाने के बाद तो 8%, तो ये
5 से 8% की नॉर्मल गिरावट हुई है, बट स्टिल आप यहाँ पर देखोगे सरस्वती साड़ी में तो आपको समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा कि ये कुछ तब से गिरी नहीं है, केवल कंसोलिडेट कर रही है, तो अच्छे रिजल्ट है, सब चीज अच्छी है। मुझे लगता नहीं है नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा तो फिर और नया शेयर है तो कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है, ज्यादा लोगों ने इस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पर बेचा भी नहीं है, ठीक है ना। और ऊपर के लेवल पे देखोगे तो अच्छी खासी क्वांटिटी बाई भी की गई है, यहाँ पर एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है मार्केट में, जैसी ही तेजी होनी शुरू होगी ये शेयर भी धीरे धीरे जाएगा। जिस दिन ये शेयर लगभग 135, 140, 136, 137 का लेवल निकालेगा, धीरे धीरे करके 148, उसके बाद 173 और दोबारा 213 के ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। तो 213 के आसपास गया तो यहाँ पर आप समझिएगा कि लगभग लगभग 68% के रिटर्न तो आपके ये बन गए, ठीक है। और जब यहाँ से निकलेगा तो याद रखिए यहाँ पर नहीं, थोड़ा बहुत नीचे आएगा, करेक्ट करेगा, ठीक है। कंपनी दोबारा यहाँ पर नंबर रिजल्ट पेश करेगी, इसमें में 2-3 क्वार्टर और गुजरेंगे, कंपनी का और व्यू आएगा, कंपनी शायद जो विजन क्लियर नहीं था और विजन क्लियर होता हुआ नजर आएगा, किससे मिलेंगे जुलेंगे क्या काम करेंगे, उसके बाद शायद ये शेयर आपको आने वाले टाइम में 400-500 भी मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब इस तरीके के शेयर निकलते हैं एक अच्छा खासा बेस बनाने के बाद, तो याद रखिएगा जब इस तरीके का बेस बनता है और चीजें निकलती है ना, तो बात दूर तक जाती है, हाँ ना, यहाँ पर कंसोलिडेट करके दूर तक जाती है, पास में नहीं आती है, और फिर जब भी अगर गिरा कंपनी ने अच्छा खासा काम नहीं किया तो यहाँ तक दोबारा आ सकता है। तो ये भी खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ, किस डायरेक्शन में जाएगा वो यहाँ पर देखेंगे, बट यहाँ पर मुझे कंसोलिडेशन और मार्केट रिकवर के साथ यहाँ पर ये शेयर भी रिकवर होता हुआ नजर आता है। बट मेरे कहने पर, किसी और के कहने पर नहीं लेना, बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चीजों को सीखना है, समझना है, नंबर को नोट करना है, कोर्स कर सकते हो, साथ में काम कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।